अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने जैस का पैकेज लगाया था एक हफ़्ते वाला, जो कि मुझे पड़ा है 580 रुपये में, ठीक है। उसमें उन्होंने मुझे दिया 30 GB। तो दूसरा दिन है, इंटरनेट की स्पीड बिल्कुल नहीं है, वो 30 GB वैसे का वैसा पड़ा है, कोई अपलोडिंग नहीं है, कोई चीज़ नहीं चल रही, कोई ब्राउजिंग नहीं हो रही। तो ये इनके हाल हैं। 4G इनके पास पूरा नहीं आ रहा, और 5G की बातें कर रहे हैं, दुनिया 5G पे पहुंच गई है। जैज ले लो, टेलीनार ले लो, कोई भी ले लो, इनकी स्पीड इतनी बकवास है, लोग जलील हो रहे हैं, बस लूट रहे हैं। अक्सर अवकात क्या करते हैं कि पैकेजेस एक्टिव होने के बाद भी नहीं चलते, फिर जी दोबारा पैकेज लगाना पड़ता है, जलील करते हैं। हेल्पलाइन पर बात करो तो रिस्पॉन्स नहीं देते, ये सिस्टम काम नहीं करा। और भाई सिस्टम तो पिछले कई सालों से, जब से पाकिस्तान बना, सिस्टम काम ही नहीं करा, सिस्टम तो बस लूट रहा है ना। तो ये हाल है इनके। अब दूसरा दिन है, पैकेज ज़ाया हो रहा है और बैठा हूँ, कोई काम नहीं है। हज़ारों काम होते हैं क्योंकि आज इंटरनेट का दौर है, हर कोई, इवन कि अब मैसेजेस भी लोग जो है ना व्हाट्सएप पे ही करते हैं, तो इंटरनेट होगा तो व्हाट्सएप चलेगा। तो ये हाल है यहाँ पे। और मंथली पैकेजेस इतने महंगे देते हैं, उसमें MBs कम, और वीकली पैकेजेस जो है ना वो उसमें MBs ज़्यादा देते हैं। तो या तो इस तरह करें कि महीने का पैकेज अच्छा निकालें, महीनों में देखें 2 से 3 हज़ार 2500 तक इनके पैकेजेस हैं जो कम से कम है मंथली वाले। तो अगर यही चीज़ हम कोई और तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे आप देख लें वाईफाई में मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज आ गई हैं, स्ट्रोम फाइबर है और भी हैं, तो पैकेजेस उनके देख लें और इनके देख लें, कोई क्वालिटी नहीं है, कोई स्पीड नहीं है। तो अल्लाह इनको हिदायत दे। अगर आपके इलाके में कोई स्पीड कम है या कोई इशू है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।